पहले इन लोगों को चिल्लाने दो ना पेट भर करके। क्या अरे खाली देना भाई। अरे इको फ्रेंडली तो हमारे घर में पता नहीं कब से चलता आ रहा है। ये जो हमारे जो जो जितने भी सीनियर सिटीजन है ये उसको बिलीव नहीं करते। बिलीव करना चाहिए, हमेशा बिलीव करना चाहिए। और ये जो ये जब तक प्योरिटी नहीं होगी किसी यू नो फेस्टिवल में और मान्यता में तो फिर वो क्या होता है, मिलावट मिलावट का थोड़ी आप गणेश बना सकते हो। इट हैज़ टू बी वेरी प्योर गणेश ताकि वो जब जाए यू नो जब विसर्जन हो जाए तो एकदम आराम से मेल्ट हो जाए। ये नहीं कि आपने विसर्जन कर दिया उसके बाद नो गणेश का सर आधा पड़ा है, पैर आधा पड़ा है, पेट आधा पड़ा है और आप जा रहे हो और किसी और के गणेश के ऊपर आप पावर बहुत गंदा है वो। इट्स नॉट नाइस एंड देन एवरीवन गेट्स परेशान ऑल्सो। सब जा रहे हैं रास्ते पर यू नो प्लास्टिक के बोतल और कप्स और ये और वो पूरा ये सब यू नो दैट्स नॉट ओके। सो आई थिंक दैट इट शुड बी बेसिकली मी कचरा करणार नहीं आणि मी देणार पण नाही कचरा करायला। बारा साला हॅलो, सब लोगों ने खाना खा लिया? ये साइड उस साइड से ज्यादा पावरफुल है और वहां की आवाज का क्या। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप लोगों ने बहुत सारे गणेश बनाए हैं, इको फ्रेंडली गणेश वही चाहिए हम सब लोगों को। हमारे परिवार में हम जब गणेश लाते हैं, गणेश जी लाते हैं घर पे, तो हम इको फ्रेंडली ही लाते हैं। इसलिए लाते हैं ताकि हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को वो 14 दिन ना कोई परेशानी नहीं हो, समझे। लाओ इको फ्रेंडली गणेश और अपने सोसाइटी, अपने बिल्डिंग, अपने घर में ही उसका विसर्जन करो। नहीं तो जब रास्ते पे चलते हो आप तो सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर होती है लॉ एंड ऑर्डर और क्लेनलीनेस के हिसाब से। चलेगा वो गणेश जी उसके ऊपर बैठे होंगे, सब लोग डांस कर रहे होंगे, मजा तो बड़ा आता है उसमें, लेकिन वो पेपर के ग्लास, वो बोतलें प्लास्टिक का, वो कौन साफ करेगा। हमारे बीएमसी के कार्यकर्ता को ही अगले दिन जाके साफ करना पड़ता है, समझे आप लोग। और फिर लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी का कोई इमरजेंसी हो गया, किसी का कोई तबीयत खराब हो गया तो उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्टॉप करके घर में विसर्जन करो। और इतना प्योर फेस्टिवल है, त्योहार है, उसमें इम्प्योर गणेश जी को भी प्योर होना चाहिए ना। क्या है वो, शादू मिट्टी, टेराकोटा, इससे बनाओ ताकि वो एकदम घुल जाए। अब कितना खराब लगता है कि आप लोग वो क्या है वो पीओपी वगैरह में बना लेते हो और फिर उसका विसर्जन होता है। तो अच्छा लगता है कि जब समुंदर पे जाओ तो आधा गणेश यहाँ पर पड़ा है, गणेश जी की सून यहाँ पे पड़ी है, पेट वहाँ पे पड़ा है, सर वहाँ पे पड़ा है, और जब जा रहे हो तो आपका पैर उनके ऊपर लग रहा है। अच्छी बात नहीं है। तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा कि सब के सब इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए। और आप लोगों ने कितने बनाए, 1,000-1,500 बनाए ना, हमरी दे मेड 1,500 गणेश जी आप लोगों ने बनाए, 2,000 गणेश जी आप लोगों ने बनाए। और ये देखो किधर है वो, मुझे यहां से दिख रहा है, हम आपको बाद में दिखाएंगे कि कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल आप लोगों ने गणेश बनाया है। देखो जब ये मैं आपको बताता हूं ना, अपन तो बच्चे हैं सब, अपन इतना घाण नहीं करते क्या, नहीं ना। और स्पेशली हम लोग हिंदुस्तान में नहीं करते, लेकिन ऐसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि जब बाहर जाते हैं ना, बाहर गांव जाते हैं, जैसे दुबई जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वो उधर घाण नहीं करेंगे,
वो इधर आके करेंगे। ये आदत चेंज होना चाहिए, समझे आप लोग? तो आप ही लोग हो बच्चे लोग जाके जो कि इन बड़ों को आप सिखा सकते हो। और मम्मी डैडी को बोल देना कि हमको प्योर गणेश ही चाहिए, जो हमने बनाया है हमको वो चाहिए। अगर बाहर से खरीदना है तो इको फ्रेंडली खरीदो, टेराकोटा का खरीदो, साधु मट्टी का खरीदो। ओके, बस हो गया ना अभी? हाँ, एडवाइस दे दिया ना। एंड में क्या आना चाहिए? गणपति बापा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में, ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में। हो गया, थैंक यू सर। अरे बच्चों आप कितने लकी हो, इको फ्रेंडली गणेशा के लिए आपको सलमान खान सिखा रहे हैं कैसा बिहेव करना। आते जाते जो मिलता है कचरा करता है, हम तो पागल हो जाएंगे।